भूलेंगे नहीं कुर्बानी, याद रहेगा ये बलिदान, आतंक से रण अंतिम विजय का प्रण। गृह मंत्री अमित शाह जब पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तब फिजा में यही संकल्प घुला था, यही जज्बा कि गृह मंत्री का चट्टानी इरादा और जवानों का फौलादी हौसला दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर देगा। जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा हासिल करने और सरहद पार तक कड़ा संदेश देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिनों का दौरा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ खत्म किया। पुलवामा के जिस लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप में उन्होंने रात बिताई उसी कैंप में सुबह सुबह वो शहीद स्मारक पर पहुंचे। यही नहीं, यहां उन्होंने सीआरपीएफ के 39 जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 14 फरवरी 2019 में एक आत्मघाती हमले में अपनी शहादत दी थी। सर्वोच्च बलिदान देकर भी जम्मू कश्मीर के अवाम के हिफाजत का यही जज्बा दुश्मन के मनोबल को चूर चूर कर देता है और इस मनोबल को आसमान से भी ऊंचा रखता है देश का राजनीतिक नेतृत्व। इसी मकसद से गृह मंत्री अमित शाह ने लेथपुरा कैंप में सीआरपीएफ के जवानों के साथ रात बिताई, उसके साथ खाना खाया। गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त है लेथपुरा पुलवामा में, वही जगह है जहां पे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उनके साथ हैं एलजी मनोज सिन्हा। सीधा यहां पे जवानों के साथ इस वक्त खाना खाते हुए आप देख सकते हैं कि क्या परोसा गया है। पौष्टिक खाना है, चाहे हम बात करें दाल की, पनीर की, आलू सब्जी पूरी भी है और साथ में आप देख सकते हैं कि चावल भी परोसे गए हैं। लेकिन अहम ये नहीं है कि क्या खाना मिल रहा है, पर अहम ये है कि कौन जवानों के साथ आज खाना खा रहा है। दूर से हमेशा सुनते आए हैं खासतौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप के किस तरह से आतंकी हमला हुआ है, पर आज जब ये खाना खा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। खाने की टेबल पर जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और देश के गृह सचिव अजय भल्ला। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर जवानों का जोश दोगुना हो गया। सीधा जवानों से बात करते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि हौसला अफजाई होती है जब इस तरह के शख्स आके खाना साथ में? बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत ही मतलब हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है ऐसे आने से, मिलने से हमसे हौसला बहुत ज्यादा बढ़ता है हमारा। आज क्या खास है? आज बहुत खास है, गृह मंत्री जी आए हैं, इससे बड़ा खास हमारे लिए कुछ है ही नहीं। कितनी हौसला अफजाई? इससे हौसला हमारे काम करने की ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी है मैडम। आज खास नहीं, हमने दिल से बनाया है, मसाले तो वही रहते लेकिन दिल से बनाया है। लेथपुरा कैंप में अमित शाह ने जवानों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का भी जायजा लिया, साथ ही ये देखा कि वो किन कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करते हैं। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त हुआ जब कश्मीर में अचानक हिंसा में तेजी आ गई, लिहाजा जवानों से बातचीत में अमित शाह ने आतंक के रास्ते पर चलने वालों को कठोर चेतावनी दी। आतंकवाद के प्रति, इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था में कमजोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। अमित शाह ने आंकड़े बताए कि 2014 से पहले जहां हर साल 208 नागरिक आतंकी वारदातों में जान गंवाते थे तो उनकी संख्या अब सालाना 30 पर आ गई है, मगर इतने लोगों की जान भी आखिर क्यों जाए? आज पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इससे हमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं, 30 नागरिकों की भी जान क्यों जाए? 370 हटाए जाने के बाद ये देश के गृह मंत्री का पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। इस दौरान अमित शाह ने जहां आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए तो वहीं हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।